तो चलो अब इस हम गिफ्ट को ओपनिंग करते हैं और आपके सामने ही ओपनिंग कर रहे हैं। और ये कभी करीब मतलब रात का समय है तो ये हमने खोल लिया था इसको। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दिन से मैंने कोई भी वीडियो अपना शूट नहीं किया था, शाम से ही स्टार्ट किया था, तो ये शाम का ही वीडियो है। दबा दो भैया, हम नीचे जा रहे हैं। दबा दो। और बाबू को इतनी जल्दी रहती है लिफ्ट दबाने की। दबा दी लिफ्ट, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती सच में उसको। शाम का वक्त है तो सोचा थोड़ा सा टहल लें। तो पता है आपको, ये मिट्ठू बोलता है, जो हम बोलते हैं वही बोलता है, वही नीचे वाले। मैं मिट्ठू बोलो। मैं मिट्ठू बोलो। बोलो ना, मैं मिट्ठू बोलो। एक बार और बोलो। आपको खाना खा चुका हूँ। और आप लोगों से मिलवाए थे ना उस दिन, तो हम बस शाम को डेली आ जाते हैं और हम सब बैठते हैं यहीं पर आके। तो ये अम्मा भी बैठी हुई जी जी, कितनी ट्रांसप्लांट वाले पूरे पेशेंट मतलब भर चुके हैं, जितने भी अपार्टमेंट थे सारे भर गए। और यहाँ पे काफ़ी लोग भी थे, दो तीन लोग, जो हम लोग बैठते हैं शाम को आके, खाना पीना खा के थोड़ा सा टहलते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं, थोड़ी सी बातचीत करते हैं, तो अच्छा लगता है हमें। अरे बाबू देखो कितना ज़्यादा फैला देता है, पूरा घर बाबू फैला देता है। फिर सुबह हमें फिर अरे बाबू कर देता है। और बाहर हो रहा है डांस, मैं आप लोग को बता दिनों से यहाँ पे सोच रही थी साफ करने का मतलब आलू प्याज भी आ गए थे मतलब इकट्ठा, यहीं से ठेला वाला निकला था और बाबू आगे पीछे हो रहा था कैमरे के, तो मैं ये आलू प्याज छाट रही थी। मतलब ज़्यादा तो हम नहीं खाते हैं, पर ये हमारे समझ लो पूरे महीने भर के लिए हो गई जब तक हम यहाँ रहेंगे। इसके पहले 5 किलो आलू मंगाई थी जब हम आए थे सबसे शुरू में, कि 3 किलो थी, अब तक चली। और मैं इनके पापा से ही बात कर रही थी और यहाँ पे मतलब चीटियाँ भी लग रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी 4-5 दिनों से, पर हो नहीं पा रहा था। और बाबू भी यहाँ पे आगे पीछे हो रहा था और ये प्याज भी हो गई, तो इकट्ठा लेके मतलब ले लिए। यहाँ पे सब्जी वाले ही बहुत कम आते हैं, फिर यहाँ से बहुत 4-5 किलोमीटर दूर जाओ। और ये कुछ धना मिर्ची हल्दी के पैकेट हैं जो कि पहले ही के थे, तो बस यहाँ पे बोरी बिछा के, पहले से ही बोरी बिछी हुई थी। और देखो कितना सारा कचरा निकला, कुछ प्याज साड़ी निकल गई, कुछ साबुत निकली, तो इन्हीं की वजह से चीटियाँ लग रही थी और पूरे खाने में हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अलग अलग कर दूँगी तो ठीक रहेगा, मतलब मुझे कोई आसानी होगी, वरना चीटी उसमें चढ़ रही थी उसमें चढ़ रही थी। तो ऐसा देखती रहती हूँ 3-4 दिनों में, जितना मेरे से होता है कोशिश करती हूँ। यहाँ पे लगा रही हूँ इनका मतलब बिस्तर, क्योंकि सुबह फिर वो आंटी जाती तो धुलने के लिए हर 2 दिन में, जैसे कि बेडशीट चेंज करना रहता है। और ये हमारा नाइट का ब्लॉग है, उसके पापा और वहाँ पे टहल रहे थे, तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं बिस्तर घड़ी कर लूँ, क्योंकि फिर सोने का भी टाइम हो जाएगा और सुबह जल्दी कपड़े धुलने रहते इस वजह से। फिर शाम का टाइम था तो यहाँ पे मैं इनका बिस्तर भी मतलब वो कर रही थी, क्योंकि सुबह से फिर वो आंटी आ जाती है ना, तो उनको मैं सोच रही थी धुलू के रख दूँगी कपड़े, कि हर 2 दिन में ये बेड शीट को चेंज करते हैं। और ये डबल बेड का है ना, तो काफ़ी बड़ा था तो नीचे झूल रहा था, तो मैंने सोचा गिफ्ट के बारे में ना बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो नीचे जो भाभी है ना, मैं शायद आप लोगों से काफ़ी बार मिलवाई हूँ और उनके बच्चे भी मतलब हैंगे, तो वही फ्लिपकार्ट वगैरह यूज़ करते थे, तो वो भाभी को मैंने बताया जब ये न्यूज़पेपर के बारे में पता चला। मतलब जैसे मैं वीडियो बनाती थी आमने सामने, तो वो पूछती थी क्या करती हो, मतलब खुद की वीडियो बनाती हो, तो मतलब ऐसा लगता है ना जब हमारे साथ कोई रहता है, तो मतलब वो मुझे देखती थी। तो मैंने उनको जैसे ही बताया, तो जब मैंने उनको फिर बताया ना अपनी वीडियो के बारे में कि मैं बनाती हूँ, फिर उन्होंने मेरा देखना चालू कर दिया। फिर जब मैंने एक दिन आप लोगों से शेयर किया था ना कि हाँ मेरा ट्राइपॉड टूट चुका है, और फिर उनको पता चला, तो उन्होंने बोला कि मतलब
अपने बच्चे से बोल के फिर मेरे लिए, फिर मैंने भी बात की तो बोले कि दीदी हम आपको बुक कर दें। मैंने कहा ठीक है, मना किया काफ़ी पर उन्होंने कर दिया था। फिर हालांकि हमें अच्छा नहीं लगा तो पेमेंट मैंने ही किया था, वरना वही काट रहे थे, उन्होंने अपने मर्जी से किया था। तो अच्छा है मुझे, और फ्लिपकार्ट में सस्ता भी मिल गया मुझे, यहाँ पे तो मिल भी नहीं रहा था, मैंने आप लोगों से बताया था। और बाबू आ चुके हैं हमारे सोने, क्योंकि उसको पता था बिस्तर लग गया, और वो छोटा सा बिस्तर है ना वो मैंने बाबू के लिए लगा दिया, क्योंकि बाबू यहाँ होता है वहाँ होता है, ये देखो बाबू सो गया। बहुत समझदारी टाइप का करता है कि मम्मा आप देखो पेट ऐसे ऐसे कर रहा, तो कह रहा मम्मा सुला दो मुझे यहाँ पे, मतलब ऐसे ठोक ठोक के तो मैं उसको सुलाती हूँ, तो वही कह रहा है कि मम्मा सुला दो मुझे। तो ये यहाँ पे लौटता रहता है ना, यहाँ गिर जाता है कभी वहाँ, तो इसलिए छोटा सा बिस्तर उसके लिए लगा रही हूँ, अपने भैया के लिए लगा रही हूँ, जिसमें कि यहाँ वहाँ होगा। तो चलो अब इस हम गिफ्ट को ओपनिंग करते हैं, और आपके सामने ही ओपनिंग कर रहे हैं, और ये कभी करीब मतलब रात का समय है, तो ये हमने खोल लिया था इसको फोड़ने के लिए। हाँ बाबू रुक जाओ, बाबू रुको ना। तो ये है, ये क्या है बताइए बताइए, आप तो समझ गए होंगे ये किस काम में आता है। जी हाँ, तो ये छोटा सा ट्राईपॉट है, और अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे ना वो भैया लोग, उनको बहुत बहुत दिल से थैंक यू, जो उन्होंने मतलब अपने फ्लिपकार्ट से मेरे लिए बुक किया। तो चलो मैं इसको पूरा ओपन करके बताती हूँ, और ये करीब 350-400 का आया है, हाँ इतने ही का आया है। तो ये ऐसा ओपन होता है, अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ी हूँ ना तो एक हाथ से बन नहीं रहा है, और अच्छा है ये, अच्छा है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और यहाँ पे ये मोबाइल फंसा दो तो ये टाइट वाला है, और ये अच्छा है ना। एक मिनट, ये सर पे कैमरा फंसा दो मस्त, और ये ऐसा भी हो जाएगा मतलब ऐसे सेल्फी में, ये इतना बड़ा भी हो जाएगा मतलब जितना बड़ा आप कर सकते हो इतना। तो ये है, और ये जो बटन है ना तो उधर से सेल्फी टाइप का है, पर ठीक है अगर हम ऑडियो वीडियो वाली बना रहे हैं तो उसके लिए ठीक है। और ये कितना क्यूट सा है ना, एक मतलब समझ लीजिए एक ये पेन का रूप बन गया, ये देखिए पेन का है ना, और छोटे से बॉक्स में आया था। और मैं इसका कोई रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ये खुद का मतलब गिफ्ट हुआ वाला ही है। तो ये, और थैंक यू उनको, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत, मैंने पर्सनली वैसे उनको तो बहुत बहुत थैंक यू बोला हुआ है, ये देखिए है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी लाइक करना। ये तो मैंने जो आपको गिफ्ट बताया, तो वो जो मतलब नीचे हमारे अपार्टमेंट में जो भाभी है ना, तो उनके दो बच्चे हैं, और उनको मैंने अपनी वीडियोस के बारे में अपनी जो भी मेरी स्ट्रगल थी, खैर उनको तो पता ही है, तो उन्होंने देखा, और फिर जब उन्होंने मतलब कि बोला, और जो मतलब उनके मिस्टर हैं भैया, तो भैया भाभी रोज़ मतलब मेरी मतलब कि देखते हैं, तो कहते हैं बहुत मतलब हिम्मत वाली लड़की है, यही सब करके खुद से तो मुझे अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए है ना। तो मैं फ्लिपकार्ट वगैरह तो चलाती नहीं हूँ, तो जब मैंने उनको बताया ना अपनी वीडियोस में, मैंने आपसे एक दिन शेयर किया था ना कि मेरा ट्राईपॉड टूट चुका है, आपको फिर से बताती हूँ, इसमें देखो कितनी कारस्तानी मैंने की है, मास्क इसमें है, घुसेड़ा है, कुछ कुछ करके ये ऐसा टूट चुका है पूरा। तो ये देखो ये निकल ऐसा ऐसा निकल जाता, मैं आप लोगों से बताया था ना। तो जो उनके बच्चे हैं फिर वो ऐसे बैठे हुए थे, वो देखो वो गिर गया, तो इस वजह से परेशान रहती हूँ। तो फिर उन मतलब कि उनने बोला कि दीदी मतलब फ्लिपकार्ट में ऑफ़र वगैरह चल रहे हैं, तो आपको चाहिए तो नहीं है ट्राईपॉड। तो मैंने कहा मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ ट्राईपॉड, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बुक कर देता हूँ, और फिर उन्होंने मतलब बुक कर दिया था, पर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो लेकिन हाँ आ जाओ
हमारे नीचे रूम की थी वो, तो मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, इस वजह से फिर मैंने उनको कितने का आया तो ये 390 रुपये का आया शायद, और तो अच्छा है काफ़ी है और मुझे अच्छा काफ़ी लग भी रहा है, जब उसे वीडियो बना रही हूँ तो आज उसी से बना रही हूँ, है ना। चल आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, और जो हमारी वीडियो में ऐड आता है प्लीज़ उसको आप पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बाय बाय, आप भी अपना ख्याल